लो भविष्य चक्रधर कथा। किसी स्थान पर आपस में मित्र भाव को प्राप्त हुए चार ब्राह्मण पुत्र रहते थे। निर्धनता से युक्त हुए उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि हरे इस दरिद्रता को धिक्कार है। कहा भी गया है कि शेर हाथी आदि के निवास करने वाले स्थान में लोगों से रहित बहुत से कांटों से भरा हुआ वन तिनकों की सैया पर सोना वल्का वस्त्र धारण करना अच्छा है, किंतु अपने बंधु बांधव के बीच धन विहीन जीवन जीना ठीक नहीं है। वस्तुतः जिन लोगों के पास धन नहीं होता, भली प्रकार सेवा किए गए स्वामी उनसे द्वेष करने लगता है। उत्तम बंधुजन भी अचानक उनको छोड़ देते हैं। गुण भी सुशोभित नहीं होते, पुत्र त्याग देते हैं। विपत्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। उच्च कुल में उत्पन्न हुए भी पत्नी भली प्रकार सेवा नहीं करती है। न्यायोचित मार्ग पर चलने वाले मित्र भी छोड़कर चले जाते हैं। इस मनुष्य लोक में व्यक्ति पराक्रमी सुंदर सौभाग्यशाली शस्त्र ज्ञान तथा वाणी की चतुरता को प्राप्त लेता है, किंतु धन के बिना यश तथा मान को प्राप्त नहीं करता। वे ही विकलता स्वस्थ इंद्रियां हैं, वही वस्तुतः नाम है, वही बिना रोक टोक जाने वाली बुद्धि है, वही वचन है, फिर भी धन की गर्मी से रहित वही पुरुष क्षण भर में अन्य हो जाते हैं। यह विचित्र है, तो धन कमाने के लिए कहीं भी चलते हैं। इस प्रकार विचार करके अपने देश तथा नगर एवं मित्रों सहित घर को छोड़कर चल दिए, अथवा यह ठीक ही कहा गया है। इस संसार में आर्थिक चिंता से व्याकुल बुद्धि वाला व्यक्ति सत्य को त्याग देता है, बंधु बांधव छोड़ देते हैं, माता को भी छोड़कर, अत्यधिक अच्छे लगने वाले स्थान को छोड़कर शीघ्र ही परदेश में चला जाता है। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए अवंती में पहुँचे। वहाँ शिप्रा नदी में जल में स्नान करके महाकाल को प्रणाम करके जैसे ही निकले, वैसे ही भैरवाना नामक स्वामी से उनका सामना हुआ। ब्राह्मणोचित विधि द्वारा उनका सम्मान करके उसी के साथ उसके मठ में गए तथा उनसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या उपदेश है। तब उन्होंने कहा, हम सिद्धि यात्री हैं तथा वहाँ जाएंगे जहाँ धन की प्राप्ति होगी अथवा मृत्यु होगी, वही बस हम यही निश्चय करके आए हैं। कहा भी गया है, साहसिक लोग उचित समय पर दाव पर लगाए गए शरीरों से कठिनता से प्राप्त करके योग्य बहुत से धनों को प्राप्त कर लेते हैं। उसी के साथ उनकी इच्छित वस्तुएँ भी प्राप्त हो जाती हैं। कभी जल आकाश से जलाशय में गिरता है तथा कभी पाताल से भी आता है, इसलिए निसंदेह भाग्य तो बलवान होता ही है, किंतु पुरुषार्थ भी बलवान होता है। पुरुषार्थ के द्वारा ही संपूर्ण इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ तुम जिसे देव इस रूप में कहते हो, वह भी तो न दिखाई देने वाला पुरुष का ही गुण है। साहसिक लोग प्राणों को तिनके के समान समझकर दांव पर लगा देते हैं। वस्तुतः उनका यह आश्चर्यजनक साहस है। उदार लोगों का आचरण दोनों ही सामान्य लोगों में अपेक्षा महत्वपूर्ण एक अनुपम होता है। इस संसार में शरीर को कष्ट दिए बिना आसानी से सुख प्राप्त नहीं किए जाना, क्योंकि भगवान विष्णु समुद्र मंथन से थकी हुई भुजाओं से ही लक्ष्मी का आलिंगन करते हैं। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु की भी पत्नी क्यों चंचल नहीं होगी, जो चार महीनों तक निरंतर जल में स्थित हुए निंद्रा की सेवन करते रहते हैं। जब तक पुरुष सांस नहीं करता है, तब तक की विजय प्राप्ति दुर्लभ होती है। संसार में तेजस्वी सूर्य भी आरूढ़ होकर बादलों में समूह पर विजय प्राप्त करता है। जो हमें पाताल प्रवेश यक्षिणी की सिद्धि शमशान सेवा मनुष्य आदि के मांस को विक्रय सिद्धिवर्तिका आदि साधनों में से कोई एक धन प्राप्ति का उपाय बताइए। आप अनुभूत शक्ति संपन्न सुने जाते हैं, हम भी अत्यधिक साहसी हैं। कहा भी गया है, बड़े लोग ही महान व्यक्ति योग के प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि समुद्र के अतिरिक्त अन्य कोई कौन भला वड़वानल को धारण करता है। भैरवानंद ने भी उनकी सिद्धियों हेतु अत्यंत प्रयत्नपूर्वक चार सिद्धिवर्तिया का निर्माण करके उन्हें दिया। हिमालय की दिशा में चले जाना, वहाँ पहुँचने पर तुम्हारी जहाँ वर्तिका गिरेगी तुम वहाँ निसंदेह खजाना प्राप्त करोगे। उस स्थान पर खोद कर लेकर लौट जाना। वैसा करने पर जाते हुए उनमें से एक के हाथ से वर्तिका गिरी। इसके पश्चात जैसे ही उसने खोदना प्रारंभ किया, तब ताम्रमयी भूमि की दिखाई दी। तब उसने कहा, अरे इच्छा अनुसार तांबा ग्रहण करो। दूसरे बोला, अरे मूर्ख, इस तांबे का तारा क्या किया जा सकता है, क्योंकि यह अत्यधिक होते हुए भी निर्धनता को नष्ट नहीं करता, इसलिए उठो हम आगे चलते हैं। वह बोला,
आप सब जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कहकर इच्छानुसार तांबा लेकर वह ब्राह्मण घर लौट गया। वे तीनों भी आगे चल पड़े। इसके पश्चात कुछ ही आगे गए तब उन्होंने चलते हुए दूसरे ब्राह्मण की वर्तिका गिर गए। उसने भी जब खोदना प्रारंभ किया तो उसके रजत भूमि दिखाई दी। तत्पश्चात अत्यधिक प्रसन्न हुआ वह बोला कि अरे इच्छानुसार चांदी ले लो, आगे नहीं चलना चाहिए। वे दोनों अरे पीछे तांबा आगे चांदी, तो निश्चय ही आगे स्वर्णमयी भूमि प्राप्त होगी। अत्यधिक इस चांदी के धारण निर्धनता का नाश तो होगा नहीं, इसलिए हम दोनों आगे चलते हैं। इस प्रकार कहकर वे दोनों आगे चल दिए। वहाँ भी अपने सामर्थ्य को अनुसार चांदी लेकर घर लौट गया। इसके पश्चात उन दोनों में से भी जाते हुए एक की वर्तिका गिर पड़ी। प्रसन्न हुए उसने भी जब खोदा तो स्वर्णमयी भूमि को देखकर दूसरे से बोला अरे इच्छानुसार सोना ले लो, कुछ अन्य इससे कुछ श्रेष्ठ नहीं होता है। उसने कहा मूर्ख तुम कुछ नहीं जानते, पहले तांबा फिर चांदी फिर सोना, तथा उसके बाद सोना प्राप्त हुआ। इस अनुसार नीचे ही आगे जाकर रत्न होंगे, जिससे एक अकेले रत्न के द्वारा पूरी दरिद्रता को नष्ट किया जा सकता है। तो उठो और आगे चलो, बार स्वरूप अत्यधिक मात्रा वाले इससे भी भला क्या लाभ। उसने कहा आप जाइए, यहाँ रखकर मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। वैसे करने पर अकेला जाता हुआ ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के तेज से संतप्त शरीर वाला, प्यास वाला, व्याकुल हुए सिद्धि मार्ग से भटकता हुआ वह भी इधर उधर घूमता रहा। तत्पश्चात घूमते हुए उसके खून से लथपथ शरीर वाला घूमते हुए चक्र से युक्त मस्तक वाला एक व्यक्ति को देखा। उसके पश्चात शीघ्रतापूर्वक जाकर उसने बोला अरे आप कौन है और सिर पर घूमते हुए चक्र से युक्त इस प्रकार क्यों खड़े, यदि कहीं जल है तो मुझे बताइए। उसी क्षण वह चक्र व्यक्ति के सिर से इस प्रकार कहते हुए उस ब्राह्मण के मस्तक पर चढ़ गया। उन व्यक्तियों ने कहा मेरे वह बोला भाई वह क्या है। व्यक्ति ने कहा मेरे भी सिर पर ये इसी प्रकार चढ़ा था। वह बोला जरा कहिए कबूतर का मुझे अत्यधिक पीड़ा हो रही है। उसने व्यक्ति ने कहा जब तुम्हारे समान सिद्धिवृत्ति का धारण किए हुए कोई इसी प्रकार तुम्हारे साथ वार्तालाप करेगा तो उसके मस्तक पर चढ़ जाएगा। वह बोला इस प्रकार खड़े हुए तुम्हें कितना समय हो गया। वह व्यक्ति ने कहा इस प्रकार समय पृथ्वी तल पर कौन राजा है। तो वह बोला वीणा वाद वत्स राज्य। तो उस व्यक्ति ने कहा काल की गणना तो मैं नहीं जानता, किंतु जब राम राजा हुए थे तब दरिद्रता के कारण मैं सभी सिद्धिवर्तियों को लेकर इसी मार्ग पर आया था। तब मैंने भी अत्यधिक तब व्यक्ति को मस्तक पर चक्र धारण किए हुए देखा तो मैंने उससे पूछा, उसके बाद ही हो गया। वह बोला भाई इस प्रकार स्थित हुए तुम्हें जल भोजन की प्राप्ति किस प्रकार होती है। उस व्यक्ति ने कहा भाई खजाना चुराने के डर से यह सिद्धियों के लिए कुबेर चक्र पतन रूप यह भय दिखाता है, इस कारण यहाँ कोई नहीं आता। यदि कोई आता भी है तो वह भूख प्यास निंद्रा से रहित वृद्धावस्था तक मरने से मुक्त इसी प्रकार केवल पीड़ा को अनुभव करता है, तो मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। इतना कहकर वह चल गया। उसके देर करने पर उसको खोजने में लगा वह सुवर्ण सिद्धि उसके पैरों के चिन्हों के अनुसार जैसे ही कुछ वन के अंदर आया वैसे ही खून से लथपथ शरीर वाले मस्तक पर घूमते हुए तीक्ष्ण चक्र से युक्त अत्यधिक पीड़ित रोते हुए उसको बैठा और विराजमान इस प्रकार देखा तो वह उसके पास जाकर आश्चर्य युक्त होकर उसने भाई यह क्या हो गया। वह बोला भाग्य की विडम्बना है। स्वर्ण सिद्धि ने कहा वह कैसे, इसका कारण कहिए। उसने पूछने पर वह स्वर्ण सिद्धि चक्र विषय घटनाक्रम कर डाला। उसने सुनकर ही उसकी निंदा करते हुए उसने कहा अरे मैंने तुम्हें अनेक बार रोका, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। तुम क्या किए जाए, विद्वान होते हुए भी तुम उच्च कुल में उत्पन्न भी तुम बुद्धिहीन हो। अथवा यह ठीक ही कहा गया है कि बुद्धि श्रेष्ठ है वह विद्या नहीं, विद्या से बुद्धि उत्तम है। बुद्धि रहित उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सिंह की निर्माण करने वाले ब्राह्मण लोग नष्ट हो गए। चक्रधारी ने पूछा तब सुवर्ण सिद्धि ने यह कहा यह कैसे